वेलकम फ्रेंड्स, मैं महिमा सूद आप सभी का स्वागत करती हूँ। मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन हमेशा जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती आई हैं। मिस यूनिवर्स बनने के बाद चाहे बेटियों को गोद लेने की बात हो या अपने रिश्ते को खुलकर लोगों के सामने कबूल करना हो, सुष्मिता का बिंदास अंदाज ही उन्हें दूसरों से अलग करता है। सुष्मिता सेन ने ऐश्वर्या राय को पीछे छोड़कर फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद वो साल 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। ऐसा कहा जाता है कि दोनों के बीच कोल्ड वॉर जैसा था। सुष्मिता सेन ने हाल ही में राजीव मसंत को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर बात की। सुष्मिता से जब उनके मिस यूनिवर्स बनने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खिताब जीतने के बाद मेरे पिता ने मुझसे कहा कि इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और पूरे देश के प्रति। हमेशा ये याद रखना होगा कि भगवान ने भेजा है कि जाओ, तुम फर्स्ट आओ और अब उस जिम्मेदारी को भी पूरा करो। ऐश्वर्या राय से कोल्ड वॉर के सवाल पर सुष्मिता ने कहा कि अगर आप पुराने इंटरव्यूज को देखें तो मैंने हमेशा ऐश्वर्या के प्रति गर्मजोशी दिखाई है। ऐश्वर्या दूसरों से बिल्कुल अलग है, हमारे बीच बिल्कुल भी कोल्ड वॉर जैसा नहीं था। ये बात बहुत ही बकवास है। जब सुष्मिता से पूछा गया कि क्या ऐश्वर्या को आप दोस्त कहेंगी तो उन्होंने बताया कि इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते ही नजर आएंगे। सालों बाद भी जब मैं ऐश्वर्या को देखती हूँ तो उन्होंने बखूबी अपनी जिंदगी के रिश्तों को निभाया है। वो एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर छोड़ जाएं।